सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 7 का हिंदी रिव्यू। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जाकर उसे जरूर से देख लेना। काफी ज्यादा कमाल का था प्रीवियस एपिसोड। एंड एक छोटी सी अपडेट है, हमारे चैनल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमने चैनल का नाम हिंदुस्तानी ओटाकू से हिंदुस्तानी ओटाकू 2.0 रख दिया है। इसका मतलब ये है कि हम अब रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड सच बताना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है न्यू चैनल का लुक। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो साकुटो रहता है वो बीच पे बैठा रहता है, लेकिन तभी वहां पे एक लड़की आती है और वो बोलती है तुम्हारी आंख और स्काई की दूरी 4 किलोमीटर की है। तो साकुटो बोलता है तुम ऐसे अनजान लड़के से कैसे बात कर रही हो। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें कभी भी अपने से बड़े या फिर अपने छोटे लड़कियों को बेवकूफ पागल चूतिया नहीं बोलना चाहिए, उन्हें बुरा लगता है। और उसके बाद वो अपना नाम बताती है, उसका नाम रहता है माकिनो हारा। ये दीदी है साकुटो की फर्स्ट लव, माइसा नहीं है, ये दीदी है उनकी फर्स्ट लव। और उसके बाद साकुटो नींद में सोया रहता है एंड वो उठता है एंड उसकी बहन काइडा बोलती है ओयायो ओनीचान। तो उसके बाद साकुटो बोलता है तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से हटो। और उसके बाद उसकी बहन उसे पकड़ लेती है एंड वो बोलती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या भाई। तो उसके बाद साकुटो बोलता है हटो यार। और उसके बाद वो बोलता है इतनी गर्मी और हम लोग साथ में नहीं रह सकते यार, गर्मी लग रही है मेरे को। और उसके बाद साकुटो बताता है कि वो लड़की तो बिल्कुल माकिनोहारा सोको जैसी दिखती है, उसका नाम भी सेम है, क्या वही तो अचानक से नहीं आ गई है दोबारा, वो मेरी फर्स्ट लव है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वही लड़की आती है घर पे एंड साकुटो उस बिल्लियों को रखा है ना अपने घर पे देखभाल के लिए। तो वो लड़की बोलती है कि उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं इसको रखने के लिए। तो साकुटो बोलता है तुम कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आकर उन सबका ख्याल रख सकती हो। तो उसके बाद उसकी बहन बोलती है लगता है ये अब साकुटो की छोटी बहन बन और मैं एक इतिहास बन के रह जाऊंगी। तो साकुटो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट बहन हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ भैया। तो उसके बाद वो बोलती है कि ये आपके रिलेशन में क्या लगती है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है यार ये तो मेरे कजन भी नहीं लगती, ना ही मेरी ये फ्रेंड है। एंड अचानक से साकुटो फोन करता है किसको, अपनी दोस्त फुताबा को। एंड फुताबा पता नहीं क्या करती है फोन में, अभी आगे पता चलेगा। एंड उसके बाद देखते हैं फुताबा का लुक भी चेंज हो चुका है, वही पढ़ाकू लड़की, चश्मा नहीं लगा रही है, बाल भी अजीब सा है एंड ड्रेस भी थोड़ा। उसके बाद दोनों लोग मीटअप करते हैं तो साकुटो बोलता है कि यार माकिनोहारा सोको अभी भी है, मैं उसे अभी मिल के आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है मुझे तो नहीं लगता है कि वो एग्जिस्ट भी करती है। तो साकुटो बोलता है नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है। तो उसके बाद वो बताती है कि शायद उसका कोई डुप्लीकेट होगा। तो साकुटो बोलता है ये सब सिर्फ कहानी होता है, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लोग होते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है हाँ ये डुप्लीकेट ही होगी या फिर ये स्टोरी हो सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलती है कि मैं लेंस लगाई हूँ, मुझे इसमें से नफरत हो गई है। तो साकुटो बोलता है कि यहाँ पे तो फायरवर्क्स होने वाला है पास में, मुझे वो दिन याद आ गया जब हम तुम और कुनमी गए थे फायरवर्क्स में पिछले साल। साकुटो बोलता है कि यार तुम बाकी सारी लड़कियों से काफी अट्रैक्टिव लगती हो, तो तुम्हें अच्छी ड्रेस पहनने चाहिए जिससे कुनमी तुम पे ज्यादा ध्यान दे। साकुटो बोलता है मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा दिन अच्छा हो। एंड वो वहां से चला जाता है। एंड तभी देखते हैं साकुटो जाता है कुनमी के घर एंड वो बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो कुनमी बताता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बीच पे घूमने गया। एंड तभी वहां पे तुम्हें आ जाती है एंड वो बोलती है सेनपाई कैसी लग रही हूँ। तो साकुटो बोलता है यार तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा पीछे का भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद वो बोलती है तुम अभी तक सुधरे नहीं हो, तुम बहुत गंदे हो सेनपाई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है साकुटो अपने रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन माइसान आती है एंड वो बोलती है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो उसके बाद साकुटो बोलता है हाँ हम एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं। तो माइसान बताती है कि मेरे काम हो चुके हैं, मेरी शूटिंग वगैरह हो चुकी है, तो मैं सोची कि मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ डायरेक्ट। तो उसके बाद साकुटो बोलता है ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं कैसी गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी जो मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम भी नहीं दे पा रही है। तो साकुटो बोलता है तुम मेरी खुशी के लिए क्या करोगी, मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है। तो उसके बाद माइसान बोलती मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें जरूर खुश कर सकती। अभी कितने बजे फ्री हो गए मुझे बता देना, मैं तब तक तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जल्दी से आओ। उसके बाद
साकुटो उनके बता देता है माकिनोहारा सोको के बारे में, जो उसकी फर्स्ट लव थी वो उसे मिली थी। तो उसके बाद साकुटो बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सेंपाई? तो माई सन बोलती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो फर्स्ट ईयर है और वो मुझसे छोटी है, तो मुझे ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो साकुटो बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। एंड तभी वहाँ पे हमें फुताबा को दिखाया जाता है जो कि कैफे में पता नहीं क्या कर रही है। तो माई सन बोलती है वो देखो फुताबा है। तो वो लोग अंदर जाते हैं एंड उससे बात करने की कोशिश करते हैं। साकुटो को लगता है कि वो थोड़ी सी डिप्रेस टाइप की है, तो वो उसके पीछे जाता है। तो वो माई सन का फोन मांगता है एंड उससे फोन करता है। तो फोन उठाती है फुताबा, फोन उठाती है एंड वो बोलती है कि तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो इस टाइम। लेकिन यहाँ पे जो फुताबा है वो तो फोन ली ही नहीं, फोन पे बात तो फुताबा कर रही है लेकिन साकुटो के सामने फुताबा खड़ी है जिसने फोन हाथ में लिया ही नहीं है। मतलब ये चल क्या रहा है? एंड वो वहां से भागने लगती है। तो उसके बाद वो बोलती लगता है मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो साकुटो बोलता है क्या बताना पड़ेगा, सच सच बताओ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मेरे इस वर्ल्ड में मेरी एक हमशक्ल आ चुकी है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वो बताती है कि आज सुबह जो जिससे तुम मिले थे वो मेरी हमशक्ल थी और मैं आज सुबह से तुमसे मिली भी नहीं। और वो बताती है कि उसके घर पे वो नकली वाली फुताबा रह रही है, इसके वजह से उसे कैफे आना पड़ा है। तो साकुटो बोलता है कि तुम मेरे घर पे रहो। तो उसके बाद माइसन से बोलता है कि माइसन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो माइसन बोलती है मुझे प्रॉब्लम होगी, अगर मैं बोलूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई दूसरी लड़की रहती है घर पे तो मुझे कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग जाते हैं घर पे एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि कायडा बोलती है कि साकुटो भैया कितने सारे लड़कियों को लेकर आएंगे घर पे। एंड उसके बाद देखते हैं कि कायडा थोड़ा सा शर्माती है एंड वो अपना नेम को बताती है एंड वो बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो जो माइसन रहती हैं वो अपने घर जाती हैं कपड़ा लेकर आने के लिए एंड उसके बाद साकुटो बोलते हैं फुताबा से कि तुम जाकर पहले नहा लो। तो उसके बाद वो फुताबा से बोलते हैं कि चिंता मत करो मैं देखूंगा नहीं। एंड उसके बाद साकुटो बोलता है कि मैं टॉवल यहीं पे रख देता हूं। तो उसके बाद फुताबा बोलती है हाँ ठीक। और उसके बाद साकुटो बताता है कि अगर तुमने ड्रेस नहीं लाई है तो मेरे पास बनी गर्ल वाला और एक और ड्रेस है जिसे तुम पहन सकते। फुताबा बोलती है कि मैंने ड्रेस ला रखी है एंड उसके बाद साकुटो बोलता है तुम्हारे साथ भी प्यूबर्टी सिंड्रोम ही हो रहा है। उसके बाद साकुटो पूछता है कि ऐसी कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा डुप्लीकेट इस वर्ल्ड में आ गया है। तो उसके बाद जो फुताबा रहती है वो बताती है ये एक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हो रहा है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो उसके बाद वो बताती है असल में तुम मान लो कि तुम्हारी पूरी एक डिटेल है और तुम एकदम रियल हो और तुम चाहो तो उस डिटेल को एक जगह इकट्ठा करके तुम उसे एक फेक मेरे जैसे बना सकते हो। ठीक वैसे ही हुआ है, वो लड़की फेक लेकिन उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसे सब कुछ मालूम है जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था। मतलब कि समझ सकते हो पास्ट की फुताबा वापस आ चुकी है एंड यहाँ पे रियल की भी फुताबा है। सिंपल सी चीज़। साकुटो बोलता है कि इस वर्ल्ड में अभी दो दो फुताबा हैं। उसके बाद साकुटो बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो मुझे बहुत पहले से क्यों नहीं दिखती थी। तो फुताबा बोलती है कि मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। फिर उसके बाद देखते हैं साकुटो सोया रहता है लेकिन अचानक से माइसन आती है और उसके बगल में लेट जाती है एंड वो बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखना था, तो वो आती है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है माइसन रात हो चुकी है जाकर सो जा। माइसन बोलती है मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त को टाइम दे पा रही हूँ। और उसके बाद साकुटो बोलता है कि फुताबा की हालत कैसी है। तो उसके बाद माइसन बोलती है कि तुम मेरे सामने उस लड़की की ज्यादा परवाह कर रहे हो। तो उसके बाद साकुटो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं आपको भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि चलो मैं सोची थी कि कल डेट करेंगे, मैं एकदम खाली हूँ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि नहीं यार मुझे कल उस फुताबा के साथ जाना है। तो माइसन बोलती है कि ठीक है बच्चे। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं प्लीज आप गलत मत समझिए। और उसके बाद साकुटो चच्चा बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं सेनपाई के, बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं बट आउच कुछ होता है, मुझे को नहीं मालूम क्या होता है, अक्सर होता है। तो उसके बाद वो बताती है कि मुझे शर्म आ रही है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमको ट्रेनिंग कराऊंगी इसकी बहुत अच्छे से जिससे तुम बाद में ऐसे कभी ना करो। तो उसके बाद देखते हैं वो बोलती है चलो गुड नाइट। और उसके बाद सुबह होती है और उसके बाद कायडा बोलती है कि ये ब्रेकफास्ट सच में बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं कि साकुटो की फर्स्ट लव माकिनोहारा सोको आ जाती है बिल्ली को देखने के लिए एंड वो बोलती है गुड मॉर्निंग साकुटो कुन। तो उसके बाद साकुटो बोलता है स्वागत है। तो माकिनोहारा सोको बोलती है कि यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। और उसके बाद बोलती है तुम्हारी तो बहुत सारी गर्ल दोस्त हैं शायद। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं तुम गलत मत समझना। तो उसके बाद देखते हैं कि फुताबा बोलती है यार ये तो रियल है। उसके बाद साकुटो जाता है स्कूल में वो दूसरी वाली फुताबा मतलब कि फेक फुताबा से मिलने, लेकिन वो वहाँ साइंस लैब में नहीं रहती है। तो उसे याद आता है कि कुनमी का आज गेम है तो वो
वहीं पे गई होगी उसे देखने। तो उसके बाद देखते हैं कि जो अपनी फुताबा रहती हैं वो बहुत मतलब अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद सारे लड़के बोलते हैं कि यार ये कितनी सुंदर लग रही हैं। एंड वहीं पे कुनमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है। एंड उसके बाद साकुटो पूछता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिल कैसे पिघला कुनमी के ऊपर। तो उसके बाद वो बताती है ये बस एक चॉकलेट की वजह से हुआ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है ऐसे क्यों। वो बताती है कि मेरा उस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत कम था। ये बात तब की है जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी इस स्कूल में, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और मुझे वो चॉकलेट बहुत पसंद था लेकिन मैं उसे ले नहीं पाती हूँ। लेकिन कुनमी मुझे हेल्प करता है एंड वो अपना चॉकलेट मेरे को दे देता है। इतने में ही दीदी जी का दिल पिघल गया एंड वो कुनमी को लाइक करने लगी। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि काश वहाँ पे मैं रहता तो शायद मेरे साथ होता। तो उसके बाद वो बताते हैं कि नहीं तुम बहुत गंदे दिखते हो। तो उसके बाद साकुटो बोलता है तो यार ये तो फेस का मामला हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि जो कुनमी रहता है वो थका रहता है, खूब गंदा स्टाइल मारता है, नहाता है धोता है। एंड उसके बाद वो बोलती है मैं साइंस लैब में जा रही हूँ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है मैं उस फुताबा से मिला था। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें मालूम पड़ गया। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि उसने क्या कहा, दूसरी वाली ने क्या सोचती है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि तुम दोनों एकदम सेम हो। एंड वो बताते हैं कि जब मैं दोनों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो एक रियल इंसान से ही बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम उसके बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं कि ये कोई टेलीपोर्टेशन बता रही है कैसा। तो जो नकली फुताबा रहती है बोलती है मैं जा रही हूँ, वो फुताबा झूठ बोल रही है। यहाँ पे देखते हैं जो अपनी फुताबा रहती हैं वो कायडा को पढ़ाती हैं एंड माकिनोहारा शोको को भी पढ़ाती हैं। और उसके बाद माईशान को कॉल आता है, उनके मैनेजर उनसे बोलते हैं कि तुमने जो शूटिंग की है वो एकदम परफेक्ट है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अभी कहाँ हो। तो वो बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पे हूँ। तो बोलते हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के घर में, आपके पास बॉयफ्रेंड भी है। तो उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कुनमी और साकुटो बात करते हैं एंड साकुटो बोलता है कि तुम्हें आज देख रही थी फुताबा। तो उसके बाद कुनमी बोलता है हाँ मैंने। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या कुछ हुआ है क्या फुताबा के साथ। तो साकुटो बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मुझे। तो उसके बाद वो बोलता है अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद साकुटो फ़ोन करता है माईसान को एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैंने बात की नकली वाली फुताबा से। एंड उसके बाद वो बोली ये सब झूठ है। तो उसके बाद माईसान बोलती है कि यहाँ पे असली वाली फुताबा उन लोग को पढ़ा रही है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मेरे मैनेजर का फ़ोन आया था। लेकिन तभी वहाँ पे कुनमी की दोस्त आ जाती है एंड वो बोलती है हे वो फुताबा तुम्हारी दोस्त है ना। तो साकुटो बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद वो बोलती हैं ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही हद पार कर रही है। एंड उसके बाद वो अपना फ़ोन देती हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि जो अपनी फुताबा है वो काफ़ी गंदे गंदे फोटो डाल रही है सोशल मीडिया पर। एंड साकुटो ये देखने के बाद चौंक जाता है। एंड यार इसी के साथ बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा हाइप हो। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो कर लेना @hindustaniotakuvan, वहाँ पे भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।